Dear students, good morning all of you. Today I will teach you very interesting topic, very interesting subject, Hindi. For class first, जैसा कि आप जानते हैं, मैं कक्षा एक के विद्यार्थियों को हिंदी पार्ट सेकेंड पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको 7 पेज नंबर तक बता दिया था, आज उसी के आगे 8, 9, 10 पार्ट 2 में बताऊँगा। इस पार्ट में था क्या, इस पार्ट में मैंने आपको स्वर और व्यंजन के बारे में बताया था, साथ ही दो अक्षर वाले अमात्रिक शब्दों के बारे में भी ज्ञान कराया था। आज मैं आपको 3 और 4 शब्दों वाले अक्षरों वाले अमात्रिक शब्दों का ज्ञान कराऊंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज कम टू द पॉइंट। इसलिए चलिए अपने विषय के बिंदु पर आते हैं। जैसे आप जानते हैं कि मैं आपको 2 वर्णों वाले मात्रिक शब्द बता चुका था, जैसे एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल आपके यहाँ दिए दे रहा हूँ, रट, रख, कब, यट, मन, कल, मल, सब, चढ़ है। इस तरह से मैंने 2 अक्षर वाले अमात्रिक शब्दों का ज्ञान आपको कराया था। चलिए अब हम 3 अक्षर वाले शब्दों की ओर बढ़ते हैं। 3 अक्षर वाले अमात्रिक शब्दों में अब 3 वर्णों वाले अमात्रिक शब्द हैं, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, नहर, नरम, मदन, चमक, मटक, दमन, बटन, नमक, सरल, नयन, फसल, शहद, कमल, परम, टहल, महल। अब इन शब्दों को मिला करके हम छोटे छोटे अमात्रिक शब्दों से वाक्य बनाते हैं, जैसे सड़क पर मत चल, समझ कर पढ़, अमर घर पर चल, सड़क पर मत टहल, अकड़ मत, बहस मत कर, नहर तक चल, नहर पर कलश भर, इधर उधर मत टहल। सो प्रिय बच्चों, हम इस प्रकार से इनका अध्ययन करते हैं, इनको पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के साथ साथ हमको लिखना भी आना चाहिए, लिखने के लिए जोड़ जोड़ कर पढ़ना भी आना चाहिए। सपोज करते हैं, हम कहें ना धन, हा धन, रा बराबर, नहर, तो नहर, नहर। इसी प्रकार से ना धन, रा धन,
मा धन इक्वल टू नरम, तो हम लोगों को इस प्रकार से मिला मिला करके अक्षर पढ़ने चाहिए। मा धन दा धन ना इक्वल टू मदन, इसी प्रकार से चा धन मा धन का बराबर चमक, आप ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है डियर, चलिए इसी प्रकार से हम इस बारे में अध्ययन करेंगे कि पढ़ें नहर नरम मदन चमक, मटक दमन बटन नमक, सरल नयन फसल सहज, कमल परम टहल महल। चलिए इसे दूसरी तरह से भी वाक्य के रूप में पढ़ते हैं। सड़क पर मत चल समझ कर पढ़, अमर घर पर चल सड़क पर मत टहल, अकड़ मत बहस मत कर नहर तक चल, नहर पर कलश भर इधर उधर मत टहल। सुप्रिय बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं ये तीन अक्षर वाले अमात्रिक शब्द थे जिनसे हमने वाक्य भी बनाए। अब हम चार अक्षर वाले अमात्रिक शब्दों की ओर बढ़ते हैं, चार वर्णों वाले अमात्रिक शब्दों की ओर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम शब्दों का ज्ञान करते हैं। जैसे पा धन ना धन घा धन टा बराबर क्या हो जाएगा, पा न घट क्या हो जाएगा, पन घट। इसी प्रकार से ना धन टा धन खा धन टा बराबर क्या हो जाएगा, नट खट क्या हो जाएगा, नट खट। नटखट मीन्स बच्चों लोग क्या होता है, नटखट मीन्स होता है शरारती। तो चलिए अब इस प्रकार से हम अमात्रिक वर्ण के साथ में चार चार अक्षरों के शब्द बना लेते हैं। जैसे देखिए पनघट नटखट अचकन थलचर थर्मस अरहर तरकस अजगर उपटन हलधर उपवन झटपट बर्तन अमरस सर्कस चटपट। पिक्चर में भी देखिए इंटरेस्टिंग तस्वीरें दी गई हैं। तो देखिए बच्चों लोग, ये बच्चा करता है सर्कस, इसको बोलते हैं थर्मस। जब ये काम करता है तो करता है झटपट। तो आप देख सकते हैं बच्चों लोग, पिक्चर के माध्यम से भी आप कि इसमें पिक्चर दी गई हैं। चलिए अब हम इनको वाक्य के रूप में पढ़ते हैं। अब दो अक्षर वाले तीन अक्षर वाले चार अक्षर वाले अमात्रिक वर्ण मिला करके हम वाक्य बनाएंगे। जैसे अब कम रख मत चख झटपट कटहल इधर रख,
उठकर अचकन पहन, टमटम पर शहर चल, दिस इज कॉल्ड टमटम। इस टांगे को हम लोग टमटम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टमटम। टमटम पर शहर चल, अनपढ़ मत रह। अनपढ़ मतलब बिना शिक्षा के, बिना पढ़ाई के। अनपढ़ मत रह, नटखट मत बन। नटखट मीन्स मैंने बताया है ना, शरारती। नटखट मत बन, गर्दन मल, भगवत भजन कर। गड़बड़ मत कर, थर्मस रख, चलकर कसरत कर, अब झटपट चल। झटपट मतलब तुरंत, फौरन, शीघ्र। सो प्रिय बच्चों, इस प्रकार से मैंने चार वर्णों वाले अमात्रिक शब्द आपको बताए। चलिए इसको बना भी लेते हैं, मैंने आपको बनाना भी सिखाया। आगे देखते हैं, भाषा ज्ञान। चित्रों के सामने उनका नाम लिखिए। बच्चों लोग, वैसे लिखने की जगह यहाँ पर पर्याप्त दी गई है, देख लीजिए। चित्रों के सामने ये बना है, मैंगो बना है। क्या बना है? मैंगो। मैंगो मीन्स क्या होता है? आम। चलिए आम हमें लिखना है। आम कैसे लिखते हैं? आप बड़ा आ बनेगा, आ, ये देखिए। और फिर क्या बन जाएगा? माँ, आम। बस मिला दीजिए। दूसरे में पिक्चर किसकी बनी है? माला की। किसकी बनी है? माला भी बोल सकते हैं, जय माला भी बोल सकते हैं। तो देखिए माला क्या लिखेंगे? माला, ये देखिए। ठीक है बच्चों, चलिए तीसरे पिक्चर में आते हैं। तीसरे पिक्चर में क्या है? ये कान, और वो क्या है? अनार। तो चलिए कान लिखते हैं। ये कान लिख लेंगे इस तरह से, कान। और फिर क्या है? ये अनार, ये अनार है, ये देखिए। चलिए अगले पिक्चर में देख लेते हैं। ये क्या बना है? ताला। और वो क्या है देख लीजिए, ताला। और वो है गधा। क्या बना हुआ है? गधा, ये देखिए। तो हमने तस्वीर के माध्यम से वर्णों के रूप में शब्द बनाए। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे निम्न वर्णों में आ की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। जैसे सपोज करते हैं, काम दिया गया है, रा दिया गया है, धन, आ दिया गया है। तो रा में जब बड़ा जुड़ जाएगा तो बन जाएगा रा, बड़ा रा बन जाएगा, धन। अब आपको बड़ा रा बन गया, बड़ा रा से कोई भी वाक्य शब्द बनाना है तो माँ जोड़ दीजिए तो बन जाएगा राम। क्या बन जाएगा? राम। चलिए सब में इसी तरह दा है, आप देखेंगे दा में जब बड़ा की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? बड़ा दा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बड़ा दा। और बड़ा दा में माँ ही लगा दीजिए फिर तो दाम हो जाएगा। इसी प्रकार आप फिर देखिए, का में बड़ा की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा का बन जाएगा, ये देखिए। और फिर माँ लगा दीजिए तो हो जाएगा काम। ओके डियर, चलिए इसी तरह चा में कर दीजिए। चा, धन बड़ा आ क्या बन जाएगा? बड़ा चा बन जाएगा। और बड़ा चा में बड़ा चा ही जोड़ दीजिए तो हो जाएगा चाचा। चलिए ना में बड़ा की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? ना बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ना।
ना में और ना जोड़ दीजिए तो हो जाएगा ना ना। इस प्रकार से मैंने आपके लिए ये एक्सरसाइज की, आपको समझाया। जहाँ कहीं पर भी आपको समस्या आ रही हो तो आप हमसे फोन में पूछ सकते हैं, हम आपको पुनः समझाएंगे। चलिए थोड़ा आगे देख लेते हैं। नीचे दिए गए चित्र में रंग भरिए व लिखिए यह कौन सा फल है। तो देखिए आप देख सकते हैं इसमें ये पिक्चर है, कोई भी आप देख लीजिए। तो ये जो पिक्चर बनी है आप बता सकते हैं क्या की बनी है। क्या की पिक्चर बनी है ये, तो आप देख सकते हैं दिस इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है, आम। क्या कहलाता है, आम। आम को ये पिक्चर आपकी आम की बनी है, और आम को कलर कर लीजिएगा। पका हुआ आम करेंगे तो येलो कलर करेंगे, और यदि कच्चा आम करेंगे तो ग्रीन कलर करेंगे। एक कलर आप लोग कर लीजिएगा। ओके डियर, सो डियर स्टूडेंट्स, वेयर एवर यू फील एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जहाँ कहीं भी आपको समस्याएं आएँ तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। माई कॉन्टेक्ट नंबर इज 9140804299। ओके डियर, बाय एंड सी यू।